इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते क्या है, तो कहा गया कि किसी भी चार्ज के अराउंड वह स्पेस, समझ में आ रहा है, किसी भी चार्ज के अराउंड वह स्पेस जहां पर आप उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सके। समझ में आ रहा है क्या बोले हम? कहीं पे कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लो कि यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक, ये चार्ज है, प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक। तो इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण कहां कहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो मान लो कि इस चार्ज के कारण हम यहां पे कोई चार्ज रखे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, तो इसमें फोर्स लगा, रिपल्सन। ये पॉइंट को मान लिए हम बी, ए मान लिए, मान लो, ठीक। इस चार्ज का, ये चार्ज फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स चार्ज है, ठीक। और इस चार्ज को हम मान लिए बी, ठीक। अब ये बताओ कि ए पे फोर्स लग रहा है इसके कारण, इस पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, ठीक। इस चार्ज को खींचकर यहां पे ले आए, अब फोर्स लगना बंद हो गया, जैसे यहां पे लाए फोर्स लगना बंद हो गया, लेकिन जैसे ही इस लाइन से थोड़ा सा यहां पे रहते हैं, थोड़ा सा भी पीछे घिसकाते हैं, तो इस पे एक फोर्स लगने लगता है इधर की ओर, ठीक है। अब ये इस यहां से ये जो दूरी है, यहां पे रखने पे जो फोर्स लग रहा है, तो ये वाली दूरी अगर ले तो ये दूरी यहां पे भी होगा, ये दूरी यहां पे भी होगा, ये दूरी यहां पे भी होगा, होगा ना, ये चारों तरफ होगा, इस तरह से होगा, इस चार्ज के चारों तरफ होगा, यानी कि जस्ट लाइक एक बल्ब जल रहा है और चारों तरफ लाइट फेंकेगा तो वो चारों तरफ होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो इस चार्ज का यहां तक क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाया, इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन दे तो क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज के अराउंड वह स्पेस है, वह जगह है जहां पर उस चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो स्पेस जो है या उस दिए गए चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्लियर है? तो लिख लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखिए द स्पेस, यहां पे हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड, कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां पे और आगे लिख लेते हैं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और इट्स एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स एसआई यूनिट इज
तो इसका ऐसा यूनिट दो यूनिट दिया गया, ठीक है, इसका दो यूनिट दिया गया, एक यूनिट दिया गया इसका, एक यूनिट दिया गया न्यूटन पर कूलम्ब, यो कैसे होगा वो भी बताएंगे, एंड दूसरा दिया गया वोल्ट, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये दो ऐसा यूनिट हो गया। अब इसको उतार लो, फिगर एक छोटा सा बना लेना ना, और उसको लिख लेना, ये प्लस क्यू चार्ज है और बी जो है ये पॉइंट बी है जो फील्ड से क्या है आउट हो गया, ठीक, जबकि ये क्या है फील्ड के अंदर है, ये सॉरी ये पॉइंट फील्ड के अंदर है, जबकि ये फील्ड पॉइंट क्या, बी क्या हो गया फील्ड के बाहर हो गया, ठीक। चलिए लिखिए, अब समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देगा तो क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आता है डेफिनेशन लिखने के लिए तो हमको क्या करना है पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो ये तो डेफिनेशन हो गया, ठीक। अब देखिए यहां पे हटा देते हैं इसको, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज अगर बोले इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट किया गया, ये क्या चीज था तो इसको समझ लेते, ये क्या कहा गया कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि क्या है एक अमाउंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या है एक अमाउंट है जो किस पे लग रहा है भाई, तो एक कूलॉम पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है, या टेस्ट चार्ज पे, कहा गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द चार्ज ड्यू टू द अनदर चार्ज इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब एक कूलॉम पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा दिए गए चार्ज के कारण वो फोर्स क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जैसे यहां पे मान ले रहे हो, हम कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर अ चार्ज क्यू एग्जिस्ट इन द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मीन्स व्हाट इन एयर, ठीक, तो वी हैव अ चार्ज क्यू प्लस क्यू, ठीक, एंड अनदर चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट इन द स्पेस, ओके, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू चार्ज, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके ख्यालों में हो जी, कहां हो, कोई मिल गई तो फिर इतना खोए खोए खाए हो, है बताओगे, पूछ रहे हैं तो लग रहा है पता नहीं क्या हुआ, कहां था, है
तो बोलोगे, देखो यहां पे हम यहां पे बोल रहे हैं कि ये चार्ज एक है और एक चार्ज प्लस क्यू यहां पे प्लेस कर दिया गया। हम दोनों चार्ज के पूछ में दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो उस कंडीशन यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू चार्ज। तो वो फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू हम इसको ना निकाले हैं के क्यू वन क्यू इंटू क्यू बटा में क्या लिखे हैं आर स्क्वायर क्यू वन टू क्यू। ठीक, क्लियर है, ये तो पढ़ रखे हो। ठीक, और यहां पे इस पे फोर्स लेगा वो ये किसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। अब देखो तो ये जो तुम्हारे पास जो डायरेक्शन जो दिख रहा है यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में क्या हो रहा है, कह रहा है कि ये जो क्यू जो है, ये जो क्यू, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक कूलम्ब पॉजिटिव। ठीक, जब एक कूलम्ब पॉजिटिव रखोगे यानी कि एक कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इसमें भी तो फोर्स लगेगा, इधर की ओर लगेगा। तो उस फोर्स का नाम दे दिया गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया है? तो यहां पे सेम वे में ये जो लिखा कि ये फ्रॉम क्या लिखा, ये फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ से है ये वाला। अब कह रहा है कि इन टर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में प्लस क्यू बराबर हम क्या लिखे, हम एक कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। तो एक कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस कंडीशन में एफ किसके बराबर हो जा रहा है, ई के बराबर हो जा रहा है। समझ रहा है, हमारे पास हो जा रहा है ई के बराबर। तो जब ई के बराबर हो जा रहा है, समझिए यहां पे ये जो तुम्हारे पास ई के बराबर हुआ, ये एफ को ही कन्वर्ट कर दिए किस में, ई में। अब ई का वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, के इंटू क्यू इंटू वन कूलम्ब बटा में, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल गया, के क्यू अपॉन, और ये किसका फॉर्मूला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका डायरेक्शन तो वही रहा ना जो फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक, चलिए उतार लीजिए इसको, समझ में आ रहा है ना। जब हम एक बात कर रहे हैं मिनिमम की, तो हम निगेटिव में तो हम बहुत कुछ ले सकते हैं पॉजिटिव, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एक कूलम ही रखना है, एक कूलम। अगर मान लो कि यहां पे निगेटिव चार्ज होगा, यहां पे कोई बड़ा वाला जो चार्ज था वो निगेटिव था, ठीक, तो यहां पे एक कूलम रखोगे चार्ज, पॉइंट चार्ज, तो उस कंडीशन में उसको क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा, केवल डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट। पॉजिटिव के केस में अगर इधर की ओर डायरेक्शन था, निगेटिव के केस में किधर की ओर, इधर की ओर। हमारे पास क्वेश्चन क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज 50 कूलम्ब प्लेस्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज एट 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 50 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक, ये है मेरा क्वेश्चन, इसको बनाइए। देखो यहां पे, अब इनको देखो, यहां पे हम एक फॉर्मूला निकल क्या है, के क्यू इन वन में आर ने निकला है, हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यू दिया हुआ है, बड़ा चार्ज दिया हुआ है 50 कूलम्ब। ठीक, आर डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो कितना करेंगे, 50 बटा में 100 डिवाइड कर देंगे तो क्या 1/2 मीटर। ठीक, हम जानते हैं ना तुम लोगों को बढ़िया से, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे। ठीक,
ये हो गया, इतना आया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास E का वैल्यू यहां पर फॉर्मूला है, K का वैल्यू 9 × 10⁻¹, क्यूब एल दिया हुआ है 50 × 1 का 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। R कितना दिया हुआ है, स्क्वायर कर दे कितना आया 9 × 10⁻¹⁵ / 1/4 दैट विल बी गोज टू दैट। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ × 50 × 4। ठीक, वॉल्यूम द फाइनल वॉल्यूम विल बी क्या होगा, फाइनल वैल्यू विल बी 18 × 10⁻¹⁶ कितना 18 हाँ ये हो गया 18 चार पच्चीस 20 किए 4 20 किए और ये इसको दूसरे को 18 हो गया 10⁻¹⁰ ये क्या आया न्यूटन पर कूलॉम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस तरह इतना इजी क्वेश्चन दोगे एकदम बच्चा वाला दिए थे तुमको। रिशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिलेशन आ गया, तो हम कह रहे हैं लेटेस्ट कंसर्न पे सिस्टम हैव टू चार्ज क्यू एन टू, लिखो क्यू एन टू क्यू टू आर प्लेस आर डिस्टेंस आर्ट इन स्पेस, मतलब एयर, तो एयर एक्टिविटी पता है नोट से नोट किया यार, तो एयर तो यहां पे हम सिस्टम को कंसीडर कर लेते हैं, यहां पे ये तो है क्यू और ये है क्यू टू यहां पे। अब बताओ अगर वो पॉजिटिव है, मेंशन कर लेते हैं पॉजिटिव है, ठीक, क्यू वन और क्यू टू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक क्लियर है। अब यह मेंशन कर लेते लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, ठीक, अब इस पे जो फोर्स लेगा इधर की ओर ये कौन सा फोर्स होगा क्यू टू, फोर्स किधर की ओर होगा इधर फोर्स ऑन टू ड्यू टू होगा। अब बाकी दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू कितना होगा, है कि दोनों के बारे में इस चीज बारे में इलेक्ट्रिक फोर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में है, तो हम बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन की तरह काम करता है, दोनों का वैल्यू जो होता है दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हमेशा सेम होता है। ठीक, अब बताओ क्या होगा, तो एयर है इस कंडीशन में फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स बराबर क्या लिखे, फोर्स 1 2 हो या 2 1 हो, दोनों के कोर्स 1 2 हो मैग्नीट्यूड या फोर्स 2 1 हो, दोनों का फोर्स का वैल्यू का कितना हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बटा में आर स्क्वायर। अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या ले रहे हैं, ठीक है क्लियर है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं ड्यू टू दिस चार्ज, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो यहां पे जैसे जिस पॉइंट पे बोला जाएगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे आप खुद से 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज रख लीजिएगा, समझ में आया, कितना रखना है 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज वहां पे रख लीजिएगा। तो अगर यहां पे 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज रखते हैं यहां पे 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज, तो उस कंडीशन पे इस पे जो फोर्स लगेगा उसका क्या नाम दे दिए हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा ड्यू टू चार्ज क्यू वन,
वन के कारण, ठीक। तो ये Q1 का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहां पे रखते हैं एक कूलम पॉजिटिव चार्ज, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा? Q2 का। गुड। अब यहां पे एक कूलम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो यहां पे जो रखेंगे तो उस कंडीशन में इसका क्या निकलेगा? E2 निकलेगा है? बिल्कुल निकलेगा। अगर बोले कि E वैल्यू बता अभी बढ़े, तो उस कंडीशन हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज क्यू कंडीशन में हम क्या है, दैट इज उस रूप में लिखा गया है, क्यू लिखा गया है वन के ईवन, तो ईवन का कितना हो जाएगा कि इन टू, तो ध्यान से समझना है, क्यू टू पे निकाल, यहां पे एक कूलॉम ना, तो यहां पे चलो कितना हो गया एक कूलॉम, तो मल्टीप्लाई करना करो कोई फर्क पड़ता है, ठीक। तो यहां पे इतना है, तो यहां पे लिखे के टू क्यू वन, क्या लिखे आर स्क्वायर, समझ आ रहा है, इवन निकला। उसी तरह से अगर टू निकाल, ये कितना आएगा बराबर के इंटू क्यू टू बटा में आर स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है। अब देखो ये जल गया, तो इस इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक हो, ठीक है, और इक्वेशन टू, इसको इक्वेशन हम वन डिवाइड करते हैं टू से, क्या लिख रहे हैं यहां पे, बिन वन टू, ठीक। तो उस कंडीशन में वो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पूरे दोनों डिवाइड कर रहे हो आप, समझ में, ठीक। तो दोनों के तो यही ना, ठीक। तो इस ये लूप को अगर पूरे एफ टू एफ के स्टैटिक्स के मैग्नीट्यूड, तो क्या है ना, डन केवल है, चेंज होता है उसको में है, तो हमें एफ, अब क्या लिख, ई वन डिवाइड, कंडीशन में क्या मेरे पास के क्यू टू अपॉन स्क्वायर ऑन के, इसकी जगह पे क्यू, तो के गया क्यू क्यू आर आर स्क्वायर बच गया, केवल पास बचा थे, हम ई का वैल्यू निकाले तो यहां पर क्या निकल जाएगा इसके अनुसार, ये यहां एफ बटा में आएगा टू, लग रहा है जहां पे हमको दो चार बीच क्रॉस निकाल ली, निकालने के बाद ध्यान देना, मेरे ध्यान देना, दोनों चार छोड़ निकली है, निकालने के बाद दो चार बीच में लगने वाला क्रॉस स्टेटस नहीं है, निकालने के अगर इस पॉइंट पे गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिटी निकाली है, तो यहां जो भी होगा उसे डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक को, क्या निकल गया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका निकल, इस पॉइंट हमको बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, तो वहां पे जो भी होगा चार्ज क्रॉस्टैटिक फोर्स कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही ना, एफ उस चार्ज से डिवाइड कर दिए, पॉइंट पे क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी आधार पे हम डन बोले थे कि एसआई यूनिट है डन पर कूलम, अभी बोले ठीक। तो ये पूरा डाल लीजिए, गलत, बिल्कुल गलत। अभी यहां पे ईवन का वैल्यू यहां पे निकाले, ये निकाले टू सेट करो, टू सेट डिवाइड करोगे तो उसका डिश आएगा, दोनों का भी नहीं रहेगा, अलग होगा, क्यों, क्योंकि इसके कारण एक कूलम तो ये बड़ा भी हो सकता है ना, चार्ज नहीं हो सकता है, एक कूलम यहां पे बड़ा अगर चार्ज होगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बड़ा हो सकता है ना, है? तुम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते, ये तो सेम है, यहां पे ये चेंज कर रहा है ना, चेंज कर रहेगा तो इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, दोनों चार्ज पर एक दूसरे के कारण अलग अलग, डायरेक्शन क्या होगा, सेम।